वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये किचन है और हमारे साथ एज यूजुअल हमारी जबरदस्त शेफ मौजूद हैं। वो है शेफ रहीला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो रहीला? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बेहतरी की तरफ। कुछ बेहतर है, कुछ दिनों से ये आ नहीं रही थी तो उनके बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी। चले अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। आज क्या डिश बन रही है? आज बन रहा है चिकन चिकन अचारी तड़का। चिकन अचारी तड़का। अच्छा सुने, बच्चे का नाम लिया ना तो उसका सारा ध्यान उधर चला गया। तो एक और भी हमारी गेस्ट है, उनका भी इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम इसको इसकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताएंगे। ये हमारी बड़ी प्यारी बहन है और ये है शबाना खान, और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त शायरी करती हैं। शी इज़ अ पोइटिस्ट, और इसके अलावा ये ज़बरदस्त पेंटिंग करती हैं और सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाना जी। वालेकुम सलाम। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने हमें किचन में पता क्यों ज्वाइन किया? मैं देखूँ तो सही, जो शायरी करते हैं खाने कितने अच्छे पकाते हैं। अच्छा चलो लेट से पता चल, कैसे पका लेते हो आराम से? यार बना तो सब कुछ लेती हूँ, बट इतना इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग में। अच्छा जी, मुझे तो बना रही हो ना, अभी मैं अभी बनवाती हूँ देखो। अच्छा लेट से, हम लोग सबसे पहले चिकन अचारी तड़का बना रहे हैं, और इसके इंग्रेडिएंट्स हम लोग पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद मैं शबाना से कुछ अच्छी सी शायरी भी सुनूंगी। अच्छा जी, क्या क्या डलेगा मुझे बताते जो? इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये है अचारी चिकन का मसाला है जो घर का बना हुआ है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल तफसील से आपको बताऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या मसाले ऐड किए हैं मैंने। नमक हसबे ज़रूरत, हसबे ज़ायका, और ये है सिर्फ कुटी हुई मिर्च और हल्दी, ठीक है, वो भी थोड़ा सा हमने जायका चेंज करने के लिए ऐड किया है। टमाटर की प्योरी है, दही है, ओके, कड़ी पत्ता, और ये ही अचारी मसाला का हम लोगों ने पेस्ट बनाकर हरी मिर्चों में ऐड कर दिया है। ओके। हरा धनिया और अदरक, ये सब गार्निशिंग का सामान है, और चिकन जाएगा साथ में। ओके। और ऑयल। अच्छा मैं एक बार फिर मेंशन कर रही हूँ, और मैं आपको मेंशन करूँगी और ये रिपीट करेंगी, इस वक्त जो डिश बन रही है शेफ राहीला बना रही है वो है चिकन अचारी तड़का, और इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं ऑन देन मेंशन हियर, आप ज़रा सा स्क्रीन पर देखिएगा। इसमें डलेगा कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। ओके, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड अचारी चिकन का मसाला घर का बना हुआ हमेट। ओके ठीक है। जायका, नमक और टोमेटो की प्योरी। ओके, दही और आधा किलो चिकन, और तमाम चीज़ें गार्निशिंग में है, ये करी पत्ता है जी, हरी मिर्चें हैं, धनिया है एंड अदरक। ओके जी, ये हो गया, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने एक बार फिर रिपीट कर लिए, और हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो बर्तन जो है वो ऑफकोर्स गैस पे रखना है। बिस्मिल्लाह। ओके जी, सबसे पहले हमने बर्तन रख दिया, और इसमें ऑयल भी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ रख दीजिए, कोई मसला नहीं। चले जी, हमने जब तक ये ऑयल इसमें अभी ऐड कर रहे हैं, शबाना कुछ अच्छा सा शेयर हो जाएगा, देखते हैं अभी आपके जहन में चल रहा है। जहन में बताइए ना क्या चल रहा है, सुनाइए अच्छा सा शेर। स्टार्ट लेना किचन में बड़े ज़बरदस्त शेर और शायरी से, नया यूनिक स्टाइल शेर से किचन में स्टार्ट हो रहा है। कुकिंग विद मुशायरा। कुकिंग विद मुशायरा। ओके जी, क्या है सबसे पहले जी, सुनाए कुछ। हाँ जी, मैं उसे देख भी लूँ। अच्छा, मैं उसे देख भी लूँ और उसे महसूस भी कर लूँ। और उसे महसूस भी कर लूँ। मैं उसे देख भी लूँ और उसे महसूस भी कर लूँ, मगर मैं छू ना सकूँ, आँख ना खुल जाए कहीं। हाय अल्लाह, ऐसी सिचुएशन होती है। चलिए जी, सबसे पहले हमने ऑयल के अंदर ऑयल गर्म कर लिया, हो गया, और उसमें हमने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मजा आ गया जी, मैं 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, रोजाना आ जाएगा शबाना, मजा आएगा। मैं उसे छू करीब होता तो मैं रोज ही आ जाती। बिल्कुल, हम इसका हल्का सा कलर चेंज करेंगे ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। वैसे ही लहसुन की तो क्या बात है। अच्छा, इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने डाला, ज्यादा वो नहीं है, नॉर्मल, बिल्कुल वो बिल्कुल बारीक नहीं है, आपने पीस देना, मोटा मोटा रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड करना है? अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, फिर इसके अंदर जी आपकी चिकन आ गई जी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको इसमें ऐड करेंगे। अल्लाह आप लोगों के खानों में बरकत दे, आमीन आमीन, और आप लोग इसी तरह खुश रहें और अपने घर में कुकिंग करें, और अगर नहीं समझ में आती तो शेफ राहीला को ऑर्डर करें, और वैसे भी बड़े ऑर्डर्स लेती हैं भाई, इनके पास तो वैसे ही टाइम नहीं होता।
इनके पास बड़े ऑर्डर्स आते हैं, बहुत ही लजीज, यकीन करें शबाना मैं सच कहूँ इनके हाथों में टेस्ट बहुत है। कुछ मैंने देखा है, ऑफ कोर्स मैं कुछ लोगों के होते हैं यहाँ पर आते हैं वो खाना बनाते हैं, लेकिन टेस्ट की बात होती है ये बड़ी ज़रूरी है। पता है सभी, मैं आपकी बात काटूंगी कि अभी मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, मेरे सारे ऑर्डर पेंडिंग में आएंगे और इंशाल्लाह कल से मैंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए जिंदगी का ये हिस्सा है यार, क्या कहते हैं अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, अगर लाइन स्ट्रेट हो जाए तो लाइफ ही फिनिश हो जाएगी ना। ओए 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 सही बात है, तो फिर हमने अपने रब को भी तो याद करना होता है ना, अगर खुशियाँ ही खुशियाँ रहें तो फिर रब को कौन याद करते हैं। दुख में तो मतलब दुखी में याद करते हैं, खुशी में तो और अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करते हैं जिनको ज्यादा आजमाइश देता है। डोंट यू वरी, हो जाएगा। अच्छा ये वाइट हो गई बिल्कुल, चिकन का देख लें आप लोग कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन प्योरी, सॉरी टमाटर की प्योरी। अच्छा ये कम से कम 6 टमाटर हैं जिन्हें हमने जी 6 टमाटर की प्योरी हम लोग लाइट शो है, कोई मसला नहीं। अभी आप तो बिल्कुल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पर मुझे सिखा रहे होगे इंशाल्लाह। वैसे आप आपको सिखाने की क्या जरूरत है, आप तो माशा से खुद भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। ओके मैंने इसको कभी खाना नहीं खिलाया, पता नहीं क्यों तारीफ करी। अशर भाई ने बहुत तारीफ़ें की आपकी कुकिंग की, माशा। सारी इन्फॉर्मेशन आप ले रही हैं, साइड साइड काम चल रहा है भाई। ऐसा हो नहीं सकता ना कि कोई भी लेडी हो और वो ये कहे कि मुझे कुकिंग नहीं आती। वो चाहे जितनी भी एडवांस होगी या जितनी भी कहती है ना कि कुछ मसरूफ होगी, मगर लेडीज के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कहते हैं कि यार मुझे कुकिंग नहीं आती। नहीं नहीं वो है हमारी बड़ी सुपरस्टार मॉडल नादिया हुसैन, उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें वो मतलब पकाती हैं खाना किचन में जाके। तो चाहे कितनी भी बड़ी आर्टिस्ट क्यों ना हो, चाहे फिल्म स्टार हो, वो यार ये तो हमें किसी भी शोबे से ताल्लुक रखे आ, मगर वो ये कह के मुझे कुकिंग नहीं आती है, मुझे घर संभालना नहीं आता, ये तो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हमने की अचारी, ये अचारी मसाला है, इसके अंदर कलौंजी है, सौंफ है, सफेद जीरा है, साबुत धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और एक होता है सड़क एसिड जिसे हम कहेंगे कि एक तरीके के लेमन के बीज, ये घर का बना हुआ है बिल्कुल प्योर कसम से, बहुत मजे का चाय मसाले। हाँ 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 कसम खुदा की मेरी बहन, फिर ना कहना मुझे बताया नहीं। मुझे वैसे भी सोची थी हाथ बढ़ा दूँ। अच्छा नहीं तो अरे क्या हो गया, आप ये मत सोचेंगे क्या है, बड़े मजे का यार। नाजिर हमने इनमें चाट चाट के हमारी खवातीन कसम से बहुत मजे का। हाफ स्पून हमने इसमें कुटी हुई मिर्च, यानी एक बार ये डालने के बाद ना जब ये गलो फिर एक बार रिपीटेशन ताकि मेरे नाज़रीन सुन लें। अगर आपने इनको ऑर्डर भी करना है शेफ़ राहिला को, तो आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह कल से मैं इनका नंबर, आज प्लीज़ इनका नंबर, क्योंकि इनके पास कोई फेसबुक वगैरह नहीं है, तो इनका नंबर लगाएं ताकि ये इनको कोई ऑर्डर करे तो ये मसाला ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि आपको प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल ओके गुड हो गया जी। नमक भी हसबे जायका, बिल्कुल हसबे जायका जाएगा। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है क्योंकि अचारी नाम है इसका, अचारी तड़का, तो थोड़ा सा स्पाइसी। और तड़के की भी आपने बड़े लवाजमात रखे। अच्छा मैक्सिमम अब इसको कितनी देर हमें छोड़ना, और ये अभी तो दही, अभी दही ऐड करेंगे हम, और दही के साथ बस हम इसे 10 मिनट्स के लिए कवर करेंगे। अच्छा दही भी अभी ऐड होगा जी, बिल्कुल अभी। ये तो क्विकली रेसिपी नहीं होगी, क्विकली है झटपट, इंस्टेंट जबरदस्त। अच्छा इस ये अभी क्या होगा, ओके ठीक है जी हो गया। अच्छा रहिला इसके कुकिंग के अलावा और कुछ शौक है, शौक थे पहले जी? मैं ब्यूटिशियन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप काम सिर्फ शेफ कुकिंग कर रहे हैं जी? गुड, नहीं अच्छा एक ही काम पे फोकस कर रहे हैं वो, ताकि सही कॉन्सेंट्रेट होके अपना काम प्रेजेंट करें। और अगर दो दो तीन तीन काम होते हैं ना, तो खवातीन की हेल्थ भी बड़ी ख़राब हो जाती है अगर वो 10 कामों की तरफ रागिब हो जाए। यस वाइट बीच में ऐसा लगता है इससे कोई क्रीम डाली। चलिए अब इसको कितनी देर हम छोड़ देंगे? बस 10 मिनट्स। चलिए हम इसको जब तक छोड़ते हैं, हम सुनते हैं अपनी बहन से जी शायरी सुनाए कोई अच्छी सी। सच सी सुना दूँ? सुनाए ना, माँ बाबी इतनी अच्छा शेर सुनाया था वो, सुनाए कवर सुनाए। रही दर्द शब ना हुई सहर, रही दर्द शब ना हुई सहर,
मिले गम तलब के ही रूप में, ओए होए होए रही दर्द शब ना हुई सहर, मिले गम तलब के ही रूप में, मुझे उस अबर की तलाश है वो जो खो गया कहीं धूप में, आए हाय वो जो खो गया कहीं धूप में, आए हाय हाय क्या बात है क्या बात है। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी वक्त कॉलेज में पता नहीं क्या मैंने किसी वक्त सुना था, पता नहीं क्या अभी याद आ रहा है, क्या था मैं जहन से निकल गया, बड़ा प्यारा शेर था मोहब्बत, पता नहीं क्या है इसमें तन का जरूरत, जैसे मेरा एक और याद है हाँ आ गया मोहब्बत बंदगी है इसमें तन का जरब मत मांगो, मोहब्बत बंदगी है इसमें तन का जरब मत मांगो, कि जिसको छू लिया जाए उसे पूजा नहीं करते। अच्छा जी अब आप सुनाए, मेरे जहन में आ गया। अच्छा मौसम के अदबार से मैंने लिखी थी कि कभी चेहरे को छूती है कभी दामन हिलाती है, कभी चेहरे को छूती है कभी दामन हिलाती है, कभी चेहरे को छूती है कभी दामन हिलाती है, कभी जुल्फों को बिखरा कर मुझे सावन नहाती है, आय हाय 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 ये मेरे शहर की हवा भी तेरे जैसी हुई, मुझे बेखुद सी कर बैठी मुझे पागल बनाती है, आय तुम पागल हो गए, तुम पागल हो गए। अच्छा इसको तड़का लगाने के लिए नहीं, तड़का नहीं लगे बस इसके ऊपर ही गार्निशिंग होती है, तो इसको थोड़ा डिस्प्ले करके फिर हम ब्रेक की तरफ चले जाएं, इसको एंड कर दें क्या करें, बस इसको कितनी देर, बस 5 मिनट, 5 मिनट और, क्योंकि हम चाह रहे थे इसको अगर हम, अच्छा चले जी 5 मिनट मेरी बहन के पास और है जब तक ये होता है। अच्छा जी अब कोई और चीज़ और सुनाएं, हमें गज़ल सुना दूं पूरी, अरे वाह भाई वाह क्या बात है ज़बरदस्त, सुनाएं जी स्टार्ट करें। तख्ता दार पर लटका कर अपनी अना को ऐ लोगों, तख्ता दार पर लटका कर अपनी अना को ऐ लोगों, मैंने उसको ऐसे चाहा जैसे मुजरिम मैं ही हूँ, हाय हाय हाय, तख्ता दार पर लटका कर अपनी अना को ऐ लोगों, मैंने उसको ऐसे चाहा जैसे मुजरिम मैं ही हूँ, हाय हाय मुझको छोड़ चला जाएगा, मुझको छोड़ चला जाएगा खुशियों में वो होगा गुम, सारे अंदेशे मुझको थे कि ऐसी बदबख मैं ही हूँ, हाय 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 क्या बात है क्या बात, मुझसे कहता था वो हर पल, मुझसे कहता था वो हर पल मैं हूँ ना तू गम ना कर, मुझसे कहता था वो हर पल मैं हूँ ना तू गम ना कर, अब खुशियों की राख में बैठी मातम करती मैं ही हूँ, हाय 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 क्या बात है, इसकी हर एक बात थी झूठी और हर वादा धोखा था, इसकी हर एक बात थी झूठी और हर वादा धोखा था, सहरा में वो छोड़ गया अब प्यासी बैठी मैं ही हूँ, ओए हो क्या बात है जी, हंसना हसाना शुगल और मस्ती, हंसना हसाना शुगल और मस्ती ये सब एक दिखावा है, हंसना हसाना शुगल और मस्ती ये सब एक दिखावा है, खुद को रेजा रेजा चुनते शाबी हंसती मैं ही हूँ, आए हाय क्या बात जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा हम इसको यहाँ पर बता दें और फिर बाकी आप इसको ट्राई कर लीजिएगा जी नाज़रीन, हम लोग क्योंकि ये थोड़ा आपको बता दें इसको कितना वो करना है, ज़रा मुझे इसको पीछे करके बता दो ताकि हम इसको यहाँ पर ब्रेक की तरफ चले जाएगा जी, बिल्कुल इसको ड्राई करना है पूरा, नहीं नहीं बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, थोड़ा ग्रेवी छोड़, ग्रेवी रहेगी तो इसको डिस्प्ले इसी पर कर देते हैं और आप इसको इसके अंदर थोड़ा भी डाल दें बाकी छोड़ दीजिएगा, ताकि हम लोग फिर एंड में जब इसको आप डिश अभी थोड़ा और मज़ीद पकेगा ऑफकोर्स, लेकिन हम टाइम ड्यूरेशन चिकन गलेगी अभी हाँ थोड़ा भी है ना, तो ज़रा हम लोग मेंशन बस थोड़ा रहने दो, मिर्ची देसी में सारी जाएंगी अच्छा ये है यूज़ करनी है ओके, ये मिर्ची ऐड करनी है ओके गुड ओके, ये लास्ट आप इसको देख लीजिएगा एंड करी पत्ते की खुशबू और जी जंजूर भी डाल दी उन्होंने अदरक की काशें बड़ी बड़ी प्यारी जबरदस्त एंड करी पत्ता दैट्स वाओ भाई वाओ जबरदस्त, इसको आप पीछे कर दो ताकि हम इसको बता दें नाज़रीन, ये आपका जो है एक मिनट मैं इसको इसको इस पर मेंशन कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह कैप्चर हो जाए और आप इसको देख लीजिए, दैट्स ये है चिकन अचारी तड़का और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ क्योंकि शबाना जी हमारे साथ हैं और एक और शायर भी हैं, एक ज़बरदस्त सेगमेंट आप देखिएगा शायरी का और आप भी अपनी शायरी हमसे शेयर कर सकते हैं, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुड मॉर्निंग सभी के साथ।